हाँ जी अस्सलाम वालेकुम, इसमें जानी जब उम्मीद करता हूँ सब भाई खैरियत से होंगे। तो जैसा कि आप सब भाई पता है लाहौर आ गए हम रिजवान भाई, तो अभी हम जा रहे हैं, पहला काम शानवाज कब्र पे जा रहे हैं, आपको दिखाते हैं इंशाल्लाह जाके, फिर बाकी जैसे है भी लोगों के साथ तो आपको बताते हैं। ये हम जाने लगे हैं कब्र पे, शानवाज का नाम दिखाओ, ये चेक करो। हाँ बहुत भाई बोल रहे थे यार लाहौर का व्लॉग बनाना, इसलिए मैंने सोचा कि लाहौर की वीडियो बना। तो ये हम ठोकर से निकल पड़े हैं, तो इंशाल्लाह पहुंच गए हम, आपको बताएंगे। बोल सकते हो चल ये हम पंप पे आ गए, हम पेट्रोल डलवा रहे हैं, पेट्रोल डलवा के हम फिर निकल जाएंगे आगे। तकरीबन को 15-20 मिनट का रास्ता है, तो फिर जैसे ही कमल पहुँचने के बाद बंद कर। ये हम कब्रिस्तान पहुँच आए हैं, फूल ले रहे हैं, ये भी देखें, ये हम कब्रिस्तान पहुँच आए हैं। भाई ठीक, हाँ जी हम कब्रिस्तान आ गए हैं, तो फूल वगैरह लिए हैं, तो अब जा रहे हैं हम कहाँ चलना है। सब भाइयों को पता चल गया होगा, हमने आगे आपको कब्रिस्तान का रास्ता सब बताया था, ये ब्लॉग के मालूमात दे दी हमने। हाँ जो भाई आना चाहते हैं तो वो भी लोग देख के, लाजमी आना है कब्रिस्तान। कब्रिस्तान आ चुका है, ये आप सब देख सकते हैं। आखिरकार ये कब्रिस्तान के बाहर पहुंच चुके हैं, ब्रेक लगाएंगे, बाइक वगैरह लॉक करेंगे, बाइक लॉक कर दिया, तो अब हम जा रहे हैं। जानी भाई यकीन करो इस बाइक की मोहब्बत है यार, इतनी दूर से आया है रंगियार खान से, तो ये देखें कब्रिस्तान। अभी हम वेट कर रहे हैं यार, भाई आ रहा है फैसल सूरी भाई, ये बहुत अच्छे मीडिया के एंकर हैं, तो उनका वेट कर रहे हैं भाई, उन्हें आने का भाई आया हुआ है, उनको कॉल करवाते हैं, तो इंशाल्लाह आपको आगे बताते हैं जो भी है। ये हम कब्रिस्तान के साथ जो पार्क है उधर खड़े हैं, आपने शायद पहली वीडियो में भी देखी होगी, ये जगह दिखाई थी सब लोगों को, इधर पीछे कब्रें हैं देख सकते हैं आप लोग। हम जा रहे हैं कब्रिस्तान, भाई आए हैं मीडिया वाले, हम वापस जा रहे हैं कब्रिस्तान से होके। देख सकते हैं आप लोग सब भाई हैं,
कब्रिस्तान में बोलना नहीं चाहिए, इसलिए मैं नहीं बोला क्योंकि अच्छी बात नहीं होती। बाकी अभी शाह नवाज की फैमिली की तरफ जाएंगे तो इंशाल्लाह फिर आपको साथ साथ अपडेट देंगे। ये कैस है, ये आसिम, ये जानी, ये आसिम, ये कैस फोकर। इधर से हम इंशाल्लाह आज सियालकोट जाएंगे, दस का लाहौर करे। ये बीबीसी न्यूज़ वाले आए हैं, ये आप इधर ये देखें बाइक 46, तो इंटरव्यू होगा। ये बैग है, हम डस्का निकल रहे हैं सियालकोट, इंटरव्यू की तैयारी हो रही है। ये कैश आज से जानी भाई। हाँ जी भाई, तो भाई आए हुए इंटरव्यू के लिए, इंटरव्यू दे रहे हैं इंशाल्लाह। बाकी जो जो होगी भाइयों को बताते रहेंगे साथ साथ। तो जैसे आप सब भाइयों ने देखा है, शानवाज कब्र से हुए हम, और इंटरव्यू वाले भी आए हुए थे तो इंटरव्यू भी दिया उनको इंटरव्यू भी दिया हमने। तो इंशाल्लाह शानवाज की फैमिली को भी मिलेंगे, उनकी भी वीडियो आपको शेयर करेंगे। और उसके अलावा लाहौर में और भी जो दोस्त हैं शानवाज, कुछ पैगाम देना चाहते हैं इंशाल्लाह आप सब भाइयों को पैगाम दिलवाएंगे। तो बहुत भाई कह रहे थे लाहौर जाके भाई व्लॉग बनाना, तो इंशाल्लाह सब चीज़ें आपको बताएंगे। ये देखो ना, ये कब्रिस्तान है शानवाज का, जहाँ शानवाज की कब्र है, जहाँ शानवाज की कब्र है। तो बाकी आप सब भाइयों से ये भी अपील है कि शानवाज के हक में दुआ करो, अल्लाह उसको जन्नत में आला मकाम अता फरमाए। तो इंशाल्लाह जो जो भाइयों के सबके सवाल हैं, इंशाल्लाह सब भाइयों के सवाल के जवाब देंगे, तो उनको हम हर बात के जवाब पूरा पूरा मिलेगा इंशाल्लाह। बाकी वीडियो के साथ आपको बताता हूँ मैं। तो इस व्लॉग में मैंने जो कुछ बताया, इसके अलावा इंशाल्लाह भी मैं जा रहा हूँ डस्का के लिए। मैंने शानवाज कब्र से ही होना था, शानवाज कब्र से मैं हो चुका हूँ, इसके बाद मैं उसकी फैमिली को मिलकर मैं निकल रहा हूँ डस्का। मुझे थोड़ा काम है वहाँ से, इंशाल्लाह मैं वापसी पर फिर आऊँगा शानवाज के इधर लाहौर में, तो फिर वीडियोज़ वगैरह बना के और सब भाइयों को बाकी जो मालूम जो भी होगा सब भाइयों को इंशाल्लाह मालूम मुहैया करूँगा। अभी मैं डस्का के लिए थोड़ा सा काम है, दोस्त हैं तो उनके साथ जा रहा हूँ, तो डस्का से थोड़ा आगे भी जाना है। दो तीन दिन तक फदी होकर इंशाल्लाह लाहौर में आऊँगा, और जो लाहौर के भाई कहते हैं मिलना वगैरह जो भी है जो होगा सब इंशाल्लाह दो तीन दिन में वापस आ कर मैं व्लॉग भी बना के लगा दूँगा और वीडियो वगैरह भी लगा दूँगा, स्टेटस स्टोरी लगा दूँगा इंशाल्लाह। तो बाकी दुआ में याद रखना, अल्लाह हाफ़िज़।